एक नंबर क दे खिलाफत आंदोलन कहीं यार परिचालनापाई गठित कमिटी क्यों सदस्य रही से कही खिलाफत आंदोलन कहीं से परिचालनापाई गठित कमिटी क्यों माने थिले से कहूँ जे आईरे देजी से पॉइंट लिखी चारिटा पॉइंट प्रथम विश्वयुद्ध समय रे तुर्की साम्राज्य को खंड विखंडित कर दिगला तुर्की सुल्तान मुसलमान मानक धर्मगुरु बा खलीफा थिले सही समय से खलीफा थिले एवं आई आई रे से देजी भारतीय मुसलमान माने सुल्तान को समर्थन जनाए तांको क्षमता हर्ष प्रतिवाद स्वरूप यही आंदोलन आरंभ कले यही आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहगला ट्रिपल आई रे देजी यही खिलाफत आंदोलन परिचालनापाई एक कमिटी गठन करागला से जो खिलाफत आंदोलन पर गोटे कमिटी गोटे गठन कर आई भी यही कमिटी रे दुई भ्राता शौकत अली और मोहम्मद अली जो माने कि यही आंदोलन आरंभ करते सदस्य रहिले ए मानको व्यतीत मौलाना अबुल कलाम हकीम हजमल खां ओ रसहत मुहानी सदस्य रही जी आमर ये क्वेश्चन देखिए खिलाफत आंदोलन रे कहीं एवं यही आंदोलन रे जो माने कमिटी गोटे गठन करते सदस्य रही से चारिटी पॉइंट नहीं कि ख दे खिलाफत आंदोलन रे गांधीजी को भूमिका आलोचना कर खिलाफत आंदोलन रे गांधीजी को भूमिका कौन थिला ता विषय एथिरे आलोचना करिया पे कहिछि प्रथम स्टेप देछि द्वितीय स्टेप देछि एवं एथिरे आमर तृतीय नंबर स्टेप देछि चतुर्थ जोटा आई भी स्टेप देछि एवं भीर स्टेप देछि सेमिति पांचटा पॉइंट को नेकि आमे खिलापत्र आंदोलन जो गांधीजी भूमिका जोटा थिला तांको विषय आलोचना करके पांचटी स्टेप आम लिखा बुझल ना पिले ग देजी असहयोग आंदोलन कार्यक्रम कौन थिला असहयोग जिते आंदोलन होता से कार्यक्रम कौन थिला से कही से देजी पांचटा पॉइंट को लेकिन से असहयोग आंदोलन तार कार्यक्रम कौन थिला से कार्यक्रम गुड़िक पांचटी स्टेप आम लिखा बुझिपाल बिले एक नंबर घ दे असहयोग आंदोलन फलाफल कौन है जिते बड़े आमर असहयोग आंदोलन होता से जो कमिटी गोटा गठन करी आंदोलन जो रहा से आंदोलन तक फलाफल कौन है फलाफल कौन मिला से पांचटी स्टेप दे से पांचटी स्टेप रे असहयोग आंदोलन फलाफल से कही इंग्रेज सरकार गांधीजी को 1922 मार्च 10 तारीख गिरफ्त करी छः वर्ष जेल दंड नहीं एवं द्वितीय स्टेप दे प्रथम थर पर इंग्रेज सरकार विरोध आंदोलन संगठित भावे परिचालित होता एवं भविष्य विप्लवपी भारतवासी को उत्साहित करता एमती से पांचटा स्टेप एवं से पांचटा स्टेप से बुझे कि एथिरे उ नंबर एक नंबर उ कौन दे असहयोग आंदोलन समय रे गांधीजी को ओडिशा परिदर्शन एक बरणी दि जिते असहयोग आंदोलन होता ओडिशा को जिते गांधीजी आसते से परिदर्शन करी से केमी लोक बुझेला और असहयोग आंदोलन समय रे कौन करा ओडिशा को आसिकी कौन देखला से विषय से कही से कही आमर पांचटी स्टेप दे पांचटी स्टेप को नहीं
आम जाणवा बुझल पिले से पांच स्टेप दे आम जानाप चेष्टा करवा एवं दुई नंबर दे प्रत्येक प्रश्नर उत्तर प्राय 20 गोटी शब्द लिखा दुई नंबर कहदेसी असहयोग आंदोलन केबे और किपरी आरंभ होता असहयोग आंदोलन रे 1920 अगस्त 1 तारीख आनुष्ठानिक भाव असहयोग आंदोलन आरंभ होता असहयोग आंदोलन 1920 अगस्त 1 तारीख रे आनुष्ठानिक भाव गोटे असहयोग आंदोलन होता से देजी समग्र देश रे हड़ताल और शोभायात्रा माध्यम रे असहयोग आंदोलन आरंभ होता जेतरे समग्र देश रे हड़ताल पूरा होता से समय रे शोभायात्रा माध्यम रे असहयोग आंदोलन होता आ ख देजी क्यों घटना गुड़ी को असहयोग आंदोलन रो आह्वान को साकार करिवारे सहायक होता से जेतेबेले असहयोग आंदोलन होता से क्यों घटना गुड़ी को लेकिन आह्वान कराइला से देखिए भारत शासन 1919 त्रुटि अमृतसर घटनार तदंत निमंत निजुक्त हंटर कमिटी को बरणी को पक्षपातिता एवं भारत मुसलमान मान इंग्रेज विरोधी खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन आह्वान को साकार करिवारे सहाय दे बुझल देजी केबे ओ काहीं की हंटर कमिटी गठित होता केबे ओ काहीं केबे होता एवं काहीं हंटर कमिटी रो गठित दुटा स्टेप को देजी जालियांवाला बाग हत्याकांड सरकारी तदंत करिबा दाबी को कार्यकारी करिया कमिटी रो आवश्यक हला जेतेले सेतिरे सरकार को तदंत को लेकिन दाबी करागला जालियांवाला बाग रे हत्याकांड को नहीं केमिति गोटे गठन करते कौन से गठन आवश्यक है पॉइंट दुई रे 1919 अक्टूबर 14 तारीख रे लॉर्ड हंटर को नेतृत्व एक कमिटी गठन कराई 1919 अक्टूबर 14 तारीख रे लॉर्ड हंटर को माध्यम रे गोटे नेतृत्व गोटे कमिटी गठन करा गला बुझल पिले घ देची कांग्रेस रो के अधिवेशन रे गांधीजी को असहयोग आंदोलन रो प्रस्ताव गृहीत होइथिला एवं क्यों अधिवेशन रे यह अनुमोदित होता कांग्रेस जेतेबेले क्यों अधिवेशन रे गांधीजी को असहयोग आंदोलन रे प्रस्ताव गृहीत होता एवं क्यों अधिवेशन रे होता दुटा स्टेप रे से जानापी चेष्टा कर बुझल बोले ओ दे तिलक सूरज पांठि कौन पर गठन करा जाइतिला तिलक सूरज पांठि कौन पर गठन कराइला तिलक सूरज पांठि कौन पर गठन कराइला से कहूँ तिलक सूरज पांठि आंदोलन को अर्थ जोगाइप आवश्यक अर्थ संग्रह माध्यम थिला से जो पांठि को आंदोलन करते से अर्थ जोगाइप आवश्यक अर्थ संग्रह माध्यम से पॉइंट दुई देखिए जनसाधारण मुक्त हंतरे यही पांठि को दान करते जहाँकि आंदोलन को दृढ़ और शक्तिशाली करते से शक्तिशाली होगापी से माने पांठि को दान करते चौ 1922 फेब्रुआरी 1 तारीख में इंग्रेज सरकार को गांधीजी कौन चेतावनी दे 1922 फेब्रुआरी 1 तारीख में इंग्रेज सरकार को गांधीजी कौन चेतावनी दे से कौन चेतावनी तांकु देइथिले इंग्रेज मानक जेते अमर 1922 फेब्रुआरी 1 तारीख रे से कहि 1922 फेब्रुआरी 1 तारीख गांधीजी इंग्रेज सरकार को चेतावनी दे कहिथिले जे 7 दिन भीतर समस्त राजनीतिक दल को मुक्त करा न गले ओ संवाद पत्र को पूर्ण स्वाधीनता दिया न गले से आईन अमान्य आंदोलन आरंभ करिवे जदि 7 दिन भीतर गोटे दिगला जे राजनैतिक दल को एवं संवादपत्र को पुनर्बार पूर्ण स्वाधीन देवाई से आईन को अमान्य आंदोलन करने से डाकरा देले बुझल पिले बुझीपार नहीं दुई नंबर चेत दे महात्मा गांधी क्यों कारण पर असहयोग आंदोलन स्थगित रखिले महात्मा गांधी क्यों कारण असहयोग आंदोलन स्थगित रखिथिले उत्तर प्रदेश रो
चोरी चोरा नामक स्थान रे उत्तक्त आंदोलनकारी एक पुलिस स्टेशन निया लगाई देवा सहित 22 जन पुलिस कर्मचारी को जीवंत दग्ध कले एवं एही हिंसात्मक घटना पई निवादमक होई असहयोग आंदोलन को स्थगित करागला। बुझिल नगरपुर कांग्रेस अधिवेशन केबे अनुसूचित होइतिला एवं सेठारे केते जन ओडिसारु प्रतिनिधि करथिले से केते जन प्रतिनिधि करथिले नागपुर कांग्रेस अधिवेशन 1920 डिसेंबर अनुसूचित होइतिला ओडिसार 35 जन प्रतिनिधि एही अधिवेशन रे जोग देथिले एथिरे 1920 डिसेंबर रे जो अनुसूचित होइतिला सेथिरे ओडिसार 35 जन प्रतिनिधि अधिवेशन रे जोग देथिले जो दे गोपबंधु दास केउठारे एवं कौन पाई सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले कौन पाई से गोपबंधु दास केउठारे एवं कौन पाई सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले जानिपार जो दे ओडिशा रे असहयोग आंदोलन दमन प्रक्रिया रे संबलपुर मिशन प्रेस को केते टंका जरिमाना करा जायथिला एवं काहेकि जेतरे ओडिशा रे असहयोग आंदोलन दमन करूथिले से समय संबलपुर मिशन फेस को केते टंका जरिमाना करा जायथिला एवं काहेकि करा जायथिला सेठी दुईटा स्टेप को नेकि से कहिछि एवं तीन नंबर देछि केबे गांधीजी निखिल भारत खिलाफत सम्मेलन रे सभापति भाबे निर्वाचित होइथिले 1919 नवेम्बर गांधीजी निखिल भारत खिलाफत सम्मेलन रे सभापति भाबे निर्वाचन होइथिले ख देछि केउ तारीख रु भारत शासन आईन 1919 प्रचलित हला केउ तारीख रु भारत रे जो आईन शासन अछि सेथिरे प्रचलित केबे हला से कहि 1919 डिसेंबर 23 ठारु भारत शासन आईन 1919 नामरे प्रचलित ग देछि असहयोग आंदोलन समय रे कहार परिदर्शन को सत्याग्रही मानक द्वारा बासंद करा जायथिला वालेस युवराज भारत परिदर्शन को सत्याग्रही मानक द्वारा बासंद करा जायथिला घ कोन देछि केउ स्थान रे अनुष्ठित कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन रे असहयोग आंदोलन चालू रखिया पई निष्पत्ति नियागला 1921 ख्रीष्टाब्द डिसेंबर मास रे कांग्रेस अहमदाबाद वार्षिक अधिवेशन रे असहयोग आंदोलन चालू रखिया पई निष्पत्ति नियागला ओ कोन देछि आ महात्मा गांधी केउ दिन कटक जनसमावेश को उद्बोधन देथिले 1921 मार्च 23 तारीख रे महात्मा गांधी कटक ठारे जनवेश को उद्बोधन देथिले बुझी पालो चो देछि कहार प्रेरणा रे संबलपुर जिला स्कूल रो छात्र माने असहयोग आंदोलन रे जुग देथिले से कुछ कहार प्रेरणा रे कहा अधीन रे लक्ष्मी नारायण मिश्रंक द्वारा अनुप्राणित होई संबलपुर जिला स्कूल रो छात्र असहयोग आंदोलन रे जुग देथिले च देछि अलका आश्रम केउठारे प्रतिष्ठा होइतिला अलका आश्रम टिको कोठि प्रतिष्ठा कराइतिला जगत सिंहपुर अलका आश्रम प्रतिष्ठित से जो देछि केउ लेखा पई गोपबंधु को जेल दंड भोगिबा को पड़िला से कहिछि गोपबंधु को कौन से लेखिथिले एमिति जे ताकु जेल दंड पई से भोगिया को पड़िला समाज संवाद पत्र रे सत्य हेले सांघातिक स्तंभ रे सरकारी विरोध रे लेखिया पई गोपबंधु को जेल दंड भोगिया को पड़िथिला बुझी पालो झ देछि कनिका प्रजा आंदोलन समय रे कनिकार राजा किए थिले कनिका प्रजा आंदोलन समय रे कनिकार राजा किए थिले कनिका प्रजा आंदोलन समय रे कनिकार राजा थिले राजेंद्र नारायण भंजदेव बुझी पालो एठी देछि केउ संवादपत्र माध्यम रे कनिका अत्याचार लोकलोचन को आसिला केउ संवादपत्र माध्यम रे कनिका अत्याचार कनिकार जेतरे अत्याचार होतला से समय रे को संवादपत्र माध्यम रे लोक मानक पाखक आसिकी लोक लोचन को आसिला समाज ओ उत्कल दीपिका माध्यम रे कनिका अत्याचार लोक लोचन को आसीतला बुझी पालो एटि 4 नंबर देछि प्रश्न प्रत्येक प्रश्न रे दिया जायतिबा 4 गोटि विकल्प मध्यरो ठीक उत्तर ठीक बाछि तार क्रमिक नंबर सहित लेख क देछि
हंटर कमिटी केबे गठित होइतिला आई रे देछि 1919 अक्टूबर 14 दुई रे देछि 1919 डिसेंबर 23 ट्रिपल आई रे देछि 1920 जून 9 आई भी रे देछि 1920 अगस्त 1 एथिरे हबो राइट चिन्ह दिया हिछि 1919 अक्टूबर 14 तारिख रे हंटर कमिटी गठित होइतिला ख देछि केउठी असहयोग आंदोलन सहित संपृक्त नुहे जोटा कि से कहूँ आगे क्वेश्चन को भल भाव जानापी चेष्टा कर असहयोग आंदोलन सहित कार संपृक्त ना आई रे देछि विदेशी भाषा बर्जन दूरे देछि सरकारी शिक्षानुष्ठान बर्जन तीन रे देछि निर्वाचन बर्जन चार देछि अस्पृश्यता बर्जन से कहे जोटा संपृक्त नुहे से आई भी राइट चिन्ह दिखाई बुझिपाल पिले के राजू बुझिपार ना नहीं बुझु तो हाउ गई केउठारे कांग्रेस कार्यकारिणी कमिटी असहयोग आंदोलन स्थगित घोषणा अनुमोदन करथिला केउठी कांग्रेस आलाहाबाद ना बरदोली ना खोरकपुर ना नागपुर से देछि बरदोली ठारे कांग्रेस कार्यकारिणी कमिटी असहयोग आंदोलन स्थगित घोषणा पर अनुमोदन करथिला बुझिपाल एड़ी देछि घ देछि किए उड़ीसा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी प्रथम सभापति थिले हरेकृष्ण महताब ना गोपबंधु दास ना गोपबंधु चौधरी ना भागीरथी महापात्र एथिरे देछि जे ट्रिपल डबल आई देछि गोपबंधु दास ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी प्रथम सभापति से थिले एठी देछि केउ अनुष्ठान स्वराज्य समाचार पत्रिका प्रकाश करूला कौ अनुष्ठान स्वराज्य समाचार पत्रिका प्रकाश करूला स्वराज आश्रम ना स्वराज सेवक संघ ना स्वराज मंदिर ना उत्कल स्वराज शिक्षा परिषद जे आमे देखिबा जे स्वराज समाचार केउ अनुष्ठान पत्रिका प्रकाश करूला जे स्वराज मंदिर अनुष्ठान स्वराज समाचार पत्रिका प्रकाश करूला जान लमर भारत असहयोग आंदोलन और ओडिशा रे यार प्रभाव द्वितीय पाठ आमर पढ़ा सरला आउ कौटा बुझीपारे कमेंट माध्यम जनइबा।